अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक ब्रेस्ट फीडिंग और कॉन्ट्रासेप्शन से रिलेटेड है। इसके बारे में कुछ मिथ्स हैं, जैसे कि बहुत से लोग सहमत हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान प्रेगनेंसी नहीं हो सकती और ब्रेस्ट फीडिंग को एक मौसर माने हमल के तौर पर या इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसमें कुछ बातें हैं जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, वो जेनशीन कर लेनी चाहिए। एक ये कि ब्रेस्ट फीडिंग को अगर कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पे इस्तेमाल करना है तो बच्चे की उम्र जो ब्रेस्ट फीड करवा रही हैं, जो माएँ अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड करवा रही हैं, उनकी उम्र 6 माह से कम हो। माएँ अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ अपना दूध यानी कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराएँ और इस सारे अरसे के दौरान फीमेल को पीरियड्स ना आए, तो ये एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हो सकता है। लेकिन क्या ये 100% इफेक्टिव है? क्या वाकई इसके दौरान प्रेगनेंसी नहीं हो सकती? तो ये इसका जवाब है नहीं, क्योंकि इसके दौरान प्रेगनेंसी हो सकती है और ये 100% रिलायबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है, क्योंकि हमारी फीमेल्स 100% एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाती। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड का मतलब ये है कि सुबह मतलब दिन के किसी भी हिस्से में, चाहे दिन हो या रात हो, माँ सिर्फ और सिर्फ बच्चे को अपना दूध पिलाए और सुबह के दिन के औकात में 4 घंटों से कम का वक्फा हो और रात में 6 घंटों से कम फीडिंग का वक्फा हो और बेबी को फार्मूला फीड या दूसरे जो सॉलिड फूड है ये चीज़ें ऐड ना हो और पीरियड्स बिल्कुल ना आए, जिसमें कि अगर किसी फीमेल को जस्ट स्पॉटिंग भी होती है तब भी प्रेगनेंसी का चांस हो सकता है। और ये कि अगर पीरियड्स नहीं भी होते तब भी एक फीमेल को ओवुलेशन होती है अगर वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड नहीं करवा रही, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग में होता क्या है कि ब्रेस्ट फीडिंग में कुछ ऐसे हार्मोन्स बनते हैं फीमेल की बॉडी में जो कि ओवुलेशन को या अंडा बनने के प्रोसेस को सप्रेस करते हैं, और अगर अंडा बनने का प्रोसेस ना हो तो प्रेगनेंसी का चांस बहुत हद तक ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है। तो अगर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ओवुलेशन हो रही है, और ओवुलेशन हो रही है तो इसका मतलब ये है कि प्रेगनेंसी हो ज़्यादा हो सकती है। तो ऐसे फीमेल्स या ऐसे कपल्स जो कि प्रेगनेंसी नहीं चाहते या उनके कोई ऐसे मेडिकल डिसऑर्डर है जिसमें 100% प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए, या अभी उनकी करियर प्लानिंग्स हैं या उनका सिजेरियन हुआ है जिसमें ये है कि फ़ौरन से प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए, तो इन सब सूरतों में कॉन्ट्रासेप्शन के लिए ब्रेस्ट फीडिंग को एक मोस्टर या 100% इफेक्टिव मेथड नहीं कहा जा सकता। ऐसे सब कपल्स को अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस करना चाहिए और इन सब में ब्रेस्ट फीडिंग के साथ कुछ दूसरे मेथड कॉन्ट्रासेप्शन के लिए इस्तेमाल करने चाहिए, जिसमें कॉपर टी भी एक मेथड है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। ब्रेस्ट फीडिंग और कॉन्ट्रासेप्शन से रिलेटेड मज़ीद मालूमात के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं, आप क्वेरीज लिख सकते हैं, आपको जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उसके बारे में बात कर सकते हैं, और इंशाल्लाह न्यू फ्यूचर में इससे रिलेटेड मज़ीद वीडियोस बनाऊंगी जिससे आप सबको फ़ायदा हो। थैंक यू।